कीजिएगा। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formulae of the substances involved in it is known as chemical equation is known as a chemical equation. For example, zinc plus sulfuric acid gives प्लस हाइड्रोजन। तो क्या करते हैं हम ये देखते हैं केमिकल रिएक्शंस किस किस तरीके से होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड बता दूंगा, ये तो फैल रहा था काफी लंबा आगे लगता है, वो आपके मर्जी है चाहे तो मतलब वो बैठे, ठीक है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ऐसे बोला जाता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, एरो का मतलब होता है गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हम ऐसा कहेंगे कि जैसे इधर जिंक है और इधर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, जो भी रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम टेस्ट ट्यूब में या बीकर के अंदर होते हैं। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक के कोई बहुत छोटे छोटे पीसेस डाल दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने वो जिंक उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है तो सॉलिड की फॉर्म में होगा, उसके हमने छोटे छोटे पीसेस डाल दिए या पाउडर बना दिया उसका हमने, उस पर हमने फिर थोड़ा बहुत कुछ ड्रॉप्स करके हमने थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी डेंजरस एसिड होता है, जो कि जनरली कार की या ट्रक्स की बैटरीज में यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब जिंक के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद में कुछ ऐसी ही होती है टेस्ट ट्यूब, लगभग इतनी साइज की होती है। तो हमने ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसको स्टिर करके देखा कि क्या चेंज हो रहा है। तो हमने चेंज हमने ये देखा कि एक कंपाउंड बन गया और कुछ ना फ्यूम्स निकलने लगे उसके अंदर से। तो जब भी कहीं से कोई भी फ्यूम्स निकलते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो वो जो गैस है वो तो निकली क्या, हाइड्रोजन, और एक और सॉलिड बन गया, उस सॉलिड को हम बोल देंगे जिंक सल्फेट, ठीक है, उसको हम बोल देंगे जिंक सल्फेट। तो एग्जाम्पल के तौर पर अभी एक रिएक्शन बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई दो सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके कुछ बनाएंगे,
तो जो कंबाइन करते हैं, जो आपस में रिएक्ट, यहाँ पर इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो रहा है और फिर ये जो बन रहा है ये इनका रिजल्ट बन के आ रहा है, तो जो बनकर आता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स, और जो आपस में रिएक्ट करते हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये जो दोनों है ना इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, और ये जो बनकर आया है इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपको नोट करना है द सब्सटेंसेस विच कंबाइन और रिएक्ट, एक पॉइंट बनाकर लिखिएगा द सब्सटेंसेस which combine or react, the substances which combine or react are known as reactants. Reactants को underline कर लो। एक next point लिखेंगे, next point में लिखेंगे the new substances produced in a reaction. The new substances produced in a reaction are known as products. उनको हम products बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों products हैं और ये दोनों reactants हैं। अब क्या ये केमिकल इक्वेशन बन गई? हमने कहा कि वर्ड्स की फॉर्म में तो केमिकल इक्वेशन बन गई, लेकिन क्या है कि बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, न जाने कितने सारे कंपाउंड्स हैं, उनके कितने बड़े बड़े नाम हैं, तो क्या बार बार उनका नाम लिखते रहेंगे हम? तो हमने कहा कि नहीं, हमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके कुछ सिम्बल्स होते हैं, ठीक है, और कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। कंपाउंड्स कैसे बनाए जाते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने नाइन्थ क्लास में करा कि जिंक की वैलेंसी होती है 2+ और सल्फेट की वैलेंसी होती है SO4 2-, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं करूँगा आप लोगों से कि आप लोग नाइन्थ में कुछ करके आए होंगे। मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। अगर मान लीजिए मैं इनकी वैलेंसीज की बात कर रहा हूँ तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप नाइन्थ की सारी चीज़ें या तो करके नहीं आए हैं या फिर आप भूल चुके हैं। तो मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको बताऊँगा कि किस तरीके से वैलेंसीज कैलकुलेट करी जाती हैं, कि कितने आयन्स हैं जो हमको लर्न करने हैं और कैसे कंपाउंड बनता है। तो आप ये देखिए, जिंक की वैलेंसी होती है 2+, तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद जो ये वाला चैप्टर है ये बिना वैलेंसीज याद करे हुए ये वाला चैप्टर आपसे हो नहीं सकता, सीधी बात ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपको मैं इसके नोट्स दूंगा, उसमें आप ये देख लीजिएगा कि जितनी भी टाइप के हम रिएक्शंस करेंगे, सबसे पहला जो हमारा टारगेट है हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो इसीलिए अभी सबसे पहले मैंने केमिकल इक्वेशन लिखवाया है यहाँ पर, ये केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करा जाता है। उसके बाद में हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में आते हैं टाइप्स, तो टाइप आपके कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पांच टाइप के केमिकल रिएक्शन है, वो पांच टाइप के केमिकल रिएक्शन आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाएंगे अगर आपने वैलेंसीज याद नहीं करें, परेशान हो जाओगे आप इस चैप्टर में उलझ कर रह जाओगे। और एक आपको टेबल बनवा दूंगा मैं वैलेंसीज की, वो याद कर देंगे आप, उसको भी याद करने का तरीका बता दूंगा कि तरीका क्या है, ठीक है। तो आसान तरीके से उसको याद भी करवा देंगे, ही बैच में ही करवा देंगे। तो वो याद करने के बाद में फिर आपके लिए कोई भी टाइप की केमिकल रिएक्शन कुछ मुश्किल नहीं रह जाएगा, बड़े आसान तरीके से आप कर लोगे, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे लॉजिक है उसमें, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जिंक है, तो जिंक की वैलेंसी होती है 2+, सल्फेट SO4 इसकी वैलेंसी होती है 2-। वैलेंसी हमेशा क्रॉस ओवर होती है,
हमें ये देखना होता है कि अगर 2 प्लस वैलेंसी है यानी कि वो कैटायन है, 2 माइनस वैलेंसी है इसका मतलब वो एनायन है। वो होता क्या है कि एनायन वाला बाद में लिखा जाता है, कैटायन वाला पहले लिखा जाता है, रूल है ये, नियम है। अब ये जो इसका 2 है वो तो इसके साथ आ जाएगा Zn 2, और इसका 2 इसके साथ चला जाएगा SO4 और होल्ड वाइस। होल्ड वाइस क्यों? क्योंकि आप ये कहो कि SO4 के साथ में आप 2 लिख दो तो एक पहली चीज़ तो ये है कि ये 42 जैसा लगने लगेगा कि क्या ऑक्सीजन के 42 एटम्स हम कहेंगे नहीं, ठीक है। और या फिर हम ये कहेंगे कि 4 में ही 2 मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं, सल्फर के में भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब SO4 पूरा अपने आप में सल्फेट है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो ये जो नीचे लिखा जाता है ना सबस्क्रिप्ट में, ये फिर क्या होते हैं, जिनके एटम्स कहलाते हैं, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो इसके भी 2 एटम है, इसके भी 2 एटम है, ये कट भी जाते हैं जैसे कॉम्पनी इक्वेशन में कटते हैं ना, कट भी जाते हैं। 2 × 2 मतलब आप इसको ZnSO4 लिख सकते हो, ZnSO4 लिख सकते हो। अब जैसे ये ZnSO4 आ गया तो ZnSO4 फार्मूला बन गया किसका, जिंक सल्फेट का। ये जिंक सल्फेट का फार्मूला बन गया। मुझे फार्मूले नहीं बनाने हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, मुझे यहाँ पर फार्मूले बनाना नहीं सीखना है, ठीक है। मुझे तो सबसे पहले क्या होगा, 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन ये आएगा, इक्वेशन दे रखी है बैलेंस करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आएगा कि आपको 2 या 3 या 4 रिएक्शंस दे देंगे, पूरी इक्वेशंस दे देंगे और कहेंगे कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस। आपको आइडेंटिफाई करना है कॉम्बिनेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है वो बताना है, बेहद आसान है। तो हमें इस चीज़ पर फोकस करना है कि हमसे पूछा क्या जाएगा बोर्ड में। तो आप ये देखिएगा जब ZnSO4 है तो ZnSO4 एक फार्मूला बन गया जिंक सल्फेट का। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे ना लिखकर हम कैसे लिखेंगे, जिंक का फार्मूला, जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4 एंड इट गिव्स ZnSO4 और H2। हाइड्रोजन को सिंपली H नहीं लिखा जाता, हाइड्रोजन को सिंपली H नहीं लिखा जाता, हमेशा H2 लिखते हैं। H2 इस वजह से लिखते हैं क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। डाई एटॉमिक मतलब अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता, डाई एटम मतलब 2 एटम एग्जिस्ट करते हैं। तो जो चीज़ भी नीचे लिखी हुई है सबस्क्रिप्ट में, समझ लीजिए वो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स लिखे हुए हैं, जो चीज़ नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ Zn के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसके एटम कितने हैं, एक एटम, समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, ठीक है। यहाँ सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, S मतलब सल्फर, सल्फर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसके एटम कितने, 1। ऑक्सीजन के नीचे 4, तो ऑक्सीजन के 4 एटम। जिंक के नीचे 1 एटम, सल्फर के नीचे 1 एटम, ऑक्सीजन के नीचे 4, तो 4 एटम, हाइड्रोजन के नीचे 2। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, इसी को बैलेंसिंग बोलते हैं। इधर जिंक के नीचे कितना लिख रहा है, 1, इधर भी 1 लिखा हुआ है, तो जिंक तो बैलेंस है, दोनों तरफ एक एक एटम है। इधर हाइड्रोजन के नीचे कितना लिख रहा है, 2, इधर भी 2 लिख रहा है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। इधर सल्फर के नीचे 1, इधर भी सल्फर के नीचे 1। किसी के नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो समझ लेना उसके नीचे 1 लिखा हुआ है, समझ गए। ऐसे ऑक्सीजन के नीचे क्या लिख रहा है, 4, इधर ऑक्सीजन के नीचे 4, तो इसका मतलब 4-4 एटम, तो दोनों तरफ 4-4 एटम, यानी कि बैलेंस, समझ गए। तो ये तो बैलेंस हो गया। अब सारी इक्वेशन इतनी शरीफ नहीं होती है ना, तो जो कुछ बदमाश इक्वेशन आती है तो उनके साथ हमें क्या करना है वो देखिएगा, हेडिंग डालिएगा बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करी जाती है अब देखिए जरा। आपको अलग अलग तरीके सिखाए जाएंगे स्कूल में, अलग अलग तरीके सिखाए जाएंगे, आप कोई तरीका फॉलो मत करो जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना, कहीं से कहीं तक ना स्कूल का टीचर और ना बोर्ड का टीचर नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। जो तरीका बता रहा हूँ वो फॉलो करो, एग्जाम्पल देखेंगे सीधा सीधा एग्जाम्पल से ही, क्योंकि स्कूल में एक तरीका बताया जाएगा, बेटा एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, दोनों नंबरों का एक इधर बना दो टेबल, एक इधर बना दो, कोई टेबल नहीं बनानी, कोई एलसीएम नहीं लेना, सीधा सीधा करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं लेना था।
मैं बता रहा हूँ आपको, पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि स्कूल में आपको अलग अलग मेथड बताए जाएंगे। तो कोई मेथड के चक्कर में मत पड़ना, बहुत टाइम लगता है। आपको फोकस इस चीज़ पर करना है कि हमें किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, क्योंकि बोर्ड की तैयारी हर बच्चा करके चला जाता है। आधे से ज़्यादा बच्चे रोते हुए आते हैं सर पेपर छूट गया, ठीक है ना, तो पेपर छोड़ना नहीं है हमें। तो हमें ये ध्यान देना है कि इस चैप्टर में कोई भी चैप्टर हम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो चैप्टर बोर्ड में कितने नंबर का आने वाला है। अब जो ये वाला चैप्टर है, ये नंबर, ये वाला जो चैप्टर है, ये आपका 3 नंबर से ज़्यादा का आएगा नहीं, ठीक है ना। तो 3 नंबर से ज़्यादा का आएगा नहीं, उसमें बैलेंस करने वाला क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बैलेंसिंग 2 नंबर की आ गई तो टाइप आइडेंटिफाई करना वो 1 नंबर का, अगर बैलेंसिंग 1 नंबर की आई तो टाइप आइडेंटिफाई करना वो 2 नंबर का, मतलब आना ही 3 नंबर का। अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है वो भी एक बार मैं चेक कर लूँगा कि कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हुआ, पर 3 नंबर से ज़्यादा का अब तक इसमें नहीं आता था, तो इसलिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना उसमें। वैसे भी आपको पता है जो 1 वर्ड वाले होते हैं, 1 वर्ड में आपके कोई स्टेप्स चेक नहीं होते, 1 वर्ड वाले में स्टेप्स चेक नहीं होते। मालूम है ना 20 नंबर के क्वेश्चन जो है वो 1-1 नंबर वाले आते हैं, है ना, उन्हीं में से आए हैं। तो जरा देखो एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। देखिएगा एक एग्जांपल है, H2 plus O2 gives H2O। तो इस मेथड में क्या है, आप ना कहीं पर रफ में लिख लेना, कहीं पर रफ में लिख लेना, बस इक्वेशन लिखी हुई है और उसको बैलेंस करना। नहीं नहीं, कैसे, हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है ना। बैलेंस करने के लिए हमेशा मुझे नंबर शुरुआत में लिखना होता है, यानी कि प्रीफिक्स लगाना होता है, कोई नंबर प्रीफिक्स करना होता है, पहले लगाना होता है। क्या करेंगे आप ना, यहाँ पर लिख लोगे H, यहाँ पर लिख लोगे हाइड्रोजन, देखो जरा 2 है 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। रफ में लिखने के लिए, समझने के लिए बता रहा हूँ, एक हाइड्रोजन पर टिक लगा दिया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन का 1 है, तो ऑक्सीजन का हम किसी का भी ना नंबर ऑफ एटम घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ एटम घटाए नहीं जा सकते, बढ़ा सकते हैं, मतलब इसको आप 2 से सोचो 1 कर लो नहीं हो पाएगा। ये 1 है, इसको 2 बनाया जा सकता है, कैसे, आपने इसके आगे 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा था, यानी कि 1 लिखा हुआ था इसके आगे, तो 1 2 2 और इधर तो 2 है, तो ऑक्सीजन के 2 बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तो बिगड़ गया, हाइड्रोजन तो खराब हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया, 2 2 4 इधर 2 है, तो इसके आगे 2 लगा दो, 2 2 4 हो गया बैलेंस, ठीक है, ये करना है बस। तो कुछ नहीं बताना आपको, स्टेप बता तो रहा हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में स्टेप्स नहीं पूछे जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यस दे आर बैलेंस्ड, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। वो कुछ नहीं करना भाई, ये मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, इधर प्रीफिक्स लगाऊंगा, ये कुछ नहीं लिखना वहाँ पर, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में राम कहानी लिख, हाँ 2 नंबर का आएगा नहीं ना, 2 नंबर का आएगा नहीं, स्कूल का टीचर भी नहीं दे सकता 2 नंबर का। रीज़न क्या है, 9th क्लास में जितनी मनमानी करनी थी कर ली, और 10th क्लास है, 10th क्लास में पैटर्न फिक्स है, वो पैटर्न से इधर उधर हो ही नहीं सकते। PTM भी होती है ना, पढ़े लिखे पेरेंट्स भी पहुंच जाते हैं, वो भी जाकर बोल देते हैं कि जी पैटर्न ये इतने नंबर का है, क्या दिखा रहे हो आप। अगर इक्वेशन बैलेंसिंग का क्वेश्चन अगर आ ही 3 नंबर का रहा है या 2 नंबर का आ रहा है, आपने 10 नंबर का कहाँ से दे दिया, है ना, तो इस चीज़ को उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आपको स्टेप्स नहीं दिखाने होते, समझ में आ गया, ठीक है। बताओ भाई ऑनलाइन वाले बताओ, दोबारा बताते हैं, अभी बता रहे हैं, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन थी, हटाओ। मैंने क्या करा, रफ में लिख लिया H और O लिख लिया। अब देखिए हाइड्रोजन के इधर 2 एटम, हाइड्रोजन के इधर 2 एटम, कोई दिक्कत नहीं है, टिक लगा दिया हाइड्रोजन बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन पर आ जाओ, अब ऑक्सीजन के 2 एटम, लेकिन ऑक्सीजन का इधर 1 एटम, तो 1 को 2 बनाया जा सकता, 2 को घटाया नहीं जा सकता, तो 1 को 2 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई करके, तो 1 2 2, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 लगा दिया, समझ में आ रहा है।
तबीयत ठीक है? अच्छा, इसका तो कोई इलाज नहीं पानी? कौन सा मार दूंगा जोर से? नहीं, आगे नहीं लगा सकते, आगे नहीं लगा सकते, हमेशा प्रीफिक्स करना है, ठीक है? चलिए, ऑक्सीजन भी दो हो गया, मुझे किसी और बात पर हंसी आ रही है। क्या चेंज कर रहा है? कोई बात नहीं, उसके पसंद उसका पसंदीदा कार्टून शो नहीं चल रहा होगा इसलिए ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। हाँ जी, अब दिखाई देगी ऑक्सीजन का इधर थ्री टू लगा दिया तो वन टू जैर टू और इधर टू, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया। अभी दोबारा से देखते हैं अगर हाइड्रोजन के लिए क्या करूँ, हाइड्रोजन का टू टू सा फोर हो गया ना, इसको फोर बनाना है अगर, क्योंकि घटा तो रहते नहीं है ना, तो इसको क्या करेंगे? अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, दोबारा चेक कर लो, टू टू सा फोर हाइड्रोजन, टू टू सा फोर हाइड्रोजन के दोनों तरफ चार चार, ऑक्सीजन का टू और वन टू सा टू ऑक्सीजन का टू, तो दोनों बैलेंस हो गए, क्लियर है? आगे कुछ एनर्जी? ठीक है, लग रहा है ठीक है। एन जी दोबारा बोलो। यस यस यस, एक नंबर का, एक्चुअली सारे ना एमसीक्यू नहीं आते एक नंबर में, एक नंबर पे 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू वाले, रिजर्वेशन रीजनिंग में आ सकता है, ठीक है ना? अच्छा अगला एग्जांपल देखते हैं जरा। परिधि और यश बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। CH4 plus O2 gives CO2 CO2 plus H2O, ठीक है? अब एलिमेंट्स जरा देखो क्या क्या है, रफ में लिख लेना मेरे को, क्या दिखाई दे रहा है मेरे को? अच्छा एक चीज और देखना कि एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख लिया था, यहाँ पर क्या सी है, एच है और ओ है, तो राइट हैंड साइड पर भी मुझे सी एच और ओ ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई चौथा एलिमेंट प्रकट हो जाएगा अचानक से अपने आप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो इधर हो गया सी एच और ओ, ठीक है? अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर सी है, एच है और ओ है। अब देखो जैसे कार्बन है तो कार्बन का इधर एक है, इधर भी एक है, तो कार्बन बैलेंस हो गया, टिक लगा वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है? हाइड्रोजन के इधर चार हैं और इधर हाइड्रोजन का कितना है? दो, तो अपना गड़बड़ तो कैसे करें? अरे एक मिनट शांति तो रखो, पहले ये बताओ हाइड्रोजन के इधर चार हैं और उधर हाइड्रोजन के दो हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करूँ बताओ भाई ईशान, इस चार को दो बना दूँ? दो कर देते, छोटा इसको कम कर देता हूँ। अरे कार्बन इधर हाइड्रोजन के चार है, इधर हाइड्रोजन के टू है, इसको मुझे चार को घटा कर टू करना है ना, क्यों इसको क्यों नहीं कम कर सकते? करते नहीं है, चलो ठीक है, इसका मतलब ध्यान से सुन रहे, तो भाई हाइड्रोजन के चार हैं तो चार ही रखने हैं, इसके दो हैं इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाएंगे कैसे? टू टू सा फोर प्रीफिक्स करके, मैंने टू लगा दिया यहाँ पर, ठीक है? बहुत बढ़िया जी, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब पता है क्या करेंगे? सुनो, जब हाइड्रोजन को मैंने बैलेंस कर दिया तो एक बार वापस से कार्बन के पास आएंगे, जरा देखेंगे कि कार्बन कहीं बिगड़ा तो नहीं, कार्बन का एक है, कार्बन का एक है, ठीक है। अब अगला स्टेप बढ़ेंगे ऑक्सीजन पर आएंगे, ऑक्सीजन के इधर दो हैं और ऑक्सीजन का वन टू जो टू, दो तो इधर है और दो इधर है, दो और दो चार हो गए, ऑक्सीजन के टोटल एटम चार और इधर कितने हैं? दो, तो क्या करूं? टू और टू टिक लगा दो। अब टिक लगाते ही फिर से, क्योंकि धोखा बहुत देती है ये इक्वेशंस, एक को बैलेंस करते हैं दूसरे का बैलेंस बिगड़ जाता है,
तो जरा दोबारा से देखते हैं कार्बन को, देख चेक करो जरा, कार्बन का इधर एक, कार्बन का इधर एक, ठीक है जी बच गए। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का इधर चार है, इधर भी 2 2 4 हाइड्रोजन, चलिए हो गया काम। ऑक्सीजन का 2 2 4 और ऑक्सीजन का 2 और 1 2 2, तो 2 + 2 = 4 हो गया, तो बैलेंस हो गई पूरी इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। इसके मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, थोड़ा ऐसा है मतलब करने में पजलिंग सा है, मज़ा आएगा आपको करने में, देखिएगा। अगला देखते हैं थर्ड, देखते हैं अब ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड। अच्छा, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एक मिनट, क्या मैंने पूछा रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? कह रहा है अरे कुछ तो बता दो, अरे बोलो तो सही, अरे कुछ भी नहीं पता रेस्पिरेशन के बारे में, ऐसे ही बताओ, कुछ तो आता होगा दिमाग में रेस्पिरेशन। हाँ भाई आदित्य, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना, सांस लेना, यही है। ठीक है, डिटेल में बताता हूँ। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, रेस्पिरेशन जो आप बता रहे हो वो तो ब्रीदिंग है। अरे वो भी ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग का मतलब ये क्या? एयर। सुनो, आप सुनो 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 सुनो, ये चीज़ आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो अब से पहले आपको पढ़ाई नहीं गई ये चीज़, नाइन्थ में, नाइन्थ तक नहीं था ये। तो अब आपको ये बताया जाएगा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या होता है। हम कुछ भी खाते हैं ना, हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें से विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी सारी चीज़ें वो सब एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं। प्रोटीन चला जाता है, जैसे हम छोटे हैं अभी तो धीरे 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 हमारी हाइट बढ़ रही है, तो हमारी मसल्स में कि भाई इस हाथ की मसल को इतना देना है, इस हाथ की मसल को इतना देना है, दिमाग को इतना देना है, पैरों को इतना देना है, तो उतना 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 हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट, जैसे तुम अभी कर रहे हो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब होता क्या है, कभी भी ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी इंसान ने खाना खाया कि खाना खाया और अपनी पूरी बॉडी को बांध दिया, एक हाथ को छोड़ दिया, बस आज यही हाथ ग्रो करेगा, आज इसी हमारे पास, ऐसा तो नहीं होता। वो हमेशा क्या होता है, यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। तो रेस्पिरेशन, अब बॉडी को जितनी जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें बॉडी को मिल गई, खाने से मिल गई, दाल से, रोटी से, सब्जी से, दूध से, सारी चीज़ें मिल गई। लेकिन बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो वो जो एनर्जी है, सारी चीज़ें चली जाती हैं अपनी अपनी ज़रूरतों के पास, जिस जिस चीज़ को जहाँ जहाँ जाना है, और उसके अलावा जो एनर्जी बचती है वो एनर्जी हमारी बॉडी में ना स्टोर हो जाती है, किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब वो जो एनर्जी है, एनर्जी इज जस्ट लाइक पेट्रोल, एनर्जी इज जस्ट लाइक कोल, जब तक उसको जलाएंगे नहीं ना तब तक वो एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब तब तक वो एनर्जी मेरे को कुछ मतलब कुछ आउटपुट नहीं देगी। तो वो जलती किस चीज़ से? दुनिया में जलाने के लिए केवल एक ही गैस काम आती है, वो है ऑक्सीजन। तो जब हम सांस लेते हैं तो बेसिकली हम अपने बॉडी के अंदर जो ATP भी एक्चुअली ग्लूकोज से बनता है, तो वो जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को जलाते हैं हम लगातार, समझ रहे हो? हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल, पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब रेस्पिरेशन वाली ही एक इक्वेशन से आ गई है, एक इक्वेशन रूट की C6H12O6 + O2 gives CO2 + H2O. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये मैं आपको रेस्पिरेशन की कहानी इस वजह से बता रहा था कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन रेस्पिरेशन की है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन जलाती है, ठीक है। करो बैलेंस, क्या करो, बैलेंस करो। क्या क्या पहले देखो, इधर सी एच और ओ, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का जी, बोलो मुझे नहीं पता, पूरी इक्वेशन बैलेंस करके बताओ।
अच्छा कार्बन तो बैलेंस है ना, सही है। अरे ये ऑनलाइन वाले सो रहे हैं क्या भाई? सर वो गए। अच्छा बताना जरा क्या है? सर C6 एंटर O6 प्लस 9 O2 गिव 6 CO2 प्लस एंटर H2O। ठीक है बिल्कुल गलत है, दोबारा करके देखो इसको। ओके थैंक यू सर। दोबारा करो, बाकी बताऊंगा बेटा, थैंक यू का दादू ऑफलाइन बताता हूँ। क्या जी? ठीक है और बस यही करो, करो 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 ट्राई करो। क्रेश हुआ अभी कि नहीं? चलो ठीक है। परिधि सर सी और हो गया है, सी हो। चलो ठीक है देखो सर, ये बता दो सर क्या है, दिखा दो ऐसे। करके देखो इसको जल्दी, बहुत हंसी आ रही है। हाँ यश हो गया अगर 9 O2 करोगे तो कितना हो जाएगा? हो गया क्या बताओ क्या? और इधर क्या लगाओगे? सर ओ में हां सर ओ टू है, बस टू है तुम्हारा होगा। चलो एक काम करो, कार्बन देखो जरा, कार्बन के कितने हैं? 6 इधर भी 6, तो पहले तो यहां पर 6 लगा दो ताकि कार्बन बैलेंस हो जाए। अब कार्बन बैलेंस हो गया, कार्बन के बाद अगला देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने हैं टोटल? इस तरफ 12 हैं, इधर 12 हैं, और इधर हाइड्रोजन के कितने? सिर्फ 2 है ना, तो इसको 12 बनाने के लिए 6 लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर यहाँ पर 6 लगा दिया, तो 2 6 8 हाइड्रोजन के 2 6 8 और हाइड्रोजन के इधर 12। अब इतना करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, वापस से कार्बन को चेक करो। कार्बन के 6 हैं, कार्बन के 6 हैं, बैलेंस बिगड़ा तो नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन के 12 हैं, 2 6 8 हाइड्रोजन के 12 इसका बैलेंस बना हुआ है। अब सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, कैसे? ऑक्सीजन की इधर 6 है और इधर 2 है, तो 6 और 2 टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, 8 हो गए। अब इस तरफ देखते हैं तो 2 6 8 और 1 6 6, ठीक है। तो 12 और 6 18 हो गया, हाइड्रोजन का 18 हो गया टोटल, ठीक। अब इधर 6 है, इधर 6 है, अगर इसके आगे कुछ लगा दूंगा तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बिगड़ जाएंगे। इधर 6 लगा दो, इधर 6 लगा दो। क्यों लगाएंगे 6? क्योंकि 6 है, उधर टोटल 18 थे, तो यहां पर 6 में कितना ऐड करो कि 18 बन जाए 12। 12 कैसे होगा? 2 6 8 कर दो, हो गया। अब एक बार फिर से चेक कर लो, फिर से चेक कर लीजिए। कार्बन का 6, 1 6 6 कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12, हाइड्रोजन का 2 6 8 हाइड्रोजन की बैलेंस, ऑक्सीजन का 6 और 2 6 8 तो 6 और 12 18 हो गया, और इधर 2 6 12 और 1 6 6 तो 12 + 6 18, इस तरीके से समझ गए, ठीक। तो अभी तक इसमें कहीं भी कुछ केमिस्ट्री नहीं है, मैथ्स है, मैथ्स है, बस आपको उसको बैलेंस करना है, ठीक है। बता दो भाई यश, समझ में आ गया? यस सर। अच्छा तो आज ऑफलाइन क्यों हो, ऑनलाइन क्यों? मेरा मतलब सिर्फ तुम्हीं को लग रही थी या बाकी सबको भी लग रही थी? मुझे कैसे बता रहा हूँ? अच्छा अच्छा क्या हो गया तबीयत को, बता दो जरा। तो पता नहीं, पेट दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, तो फुटबॉल अकेडमी गया था, तो वहां से आने टाइम के अंदर ही आया। फिर तो सचमुच में होगी तबीयत खराब, कोई भी बच्चा गेम छोड़कर नहीं आता वापस,
चलिए जी अगला देखते हैं। ध्यान रखो भाई का N2 plus O2 gives no N बराबर है सर N2 है no सर लगा दें बस क्या बात है N2 O2 आएगा क्या? अरे नहीं भाई कुछ नहीं आना, कुछ नहीं आना, ये रिएक्शन आपको दे रखी है बस बैलेंस करना है। बताइए क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले बता दो भाई तीनों। यस सर। ठीक है चलिए तो अगला देखते हैं। ये है CA is for calcium, CA मतलब एरो बनाया, एरो के ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल का मतलब क्या है? इसको इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट गर्म कर रहे हैं। अब बताओ करो बैलेंस है के दो ही हैं बस, तो तीन है क्या? अनबैलेंस कहाँ से? अरे सीए इसको कैल्शियम, बैलेंस है कि नहीं है? ये सभी को दिखाई दे रहा है? नहीं दिखा, अभी इसको नहीं दिखाई दे रहा। कैल्शियम का एक है, इधर भी कैल्शियम का एक है, कार्बन का एक है, इधर भी कार्बन का एक है, ऑक्सीजन के तीन है, ऑक्सीजन का दो ही रहा और एक ही रहा, हो गए जी, तो बैलेंस है। कई बार पता है क्या होता है, कई बार आपको दे दिया जाता है, इसको बैलेंस करिए, वो ऑलरेडी बैलेंस होती है। ठीक है, तो एक बार हमको चेक जरूर करना है, सभी को चेक कर लेना है कि बराबर है या नहीं, समझ गए? चलिए ठीक है। मिलना उससे बैच के बाद मिलवाते हैं। आजकल काम चल रहा है ना घर पर, तो उस बेचारी को कोई पूछ नहीं रहा, सब इधर उधर फैला पड़ा है। KCLO3 और इसको भी हीट करवा रहे हैं, इस बार तो सही बोल रही है कि ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन का सारा गेम बिगाड़ कर रख दिया। अब बताओ क्या करना है, देख लो जरा। बेटा करके देखो, करने से ही होगा। करो, अरे उसे मत छेड़ो तुम, अरे उसे मार रहे हो, लड़ रहे हो। Good, very good. अभी हुआ क्या? वो जाना चाहिए ना?
इसलिए इन्होंने मुझे ना चांटा मार दिया किसी ने किसी को ऐसी आवाज आई एकदम से इंडिया के हो गया सी एल इज फॉर क्लोरीन ठीक है एंड ओ इज फॉर ऑक्सीजन पोटेशियम यानी कि के का इधर भी बना इधर भी बना सी एल का इधर भी बना इधर भी बना तो के और सी एल दोनों में मैच है ऑक्सीजन भी गड़बड़ कर दिया ऑक्सीजन का इधर थ्री ऑक्सीजन का इधर टू है अब क्या है कि थ्री और टू इन दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता ठीक है ना मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता सॉरी तो हम क्या करेंगे हमें या तो मतलब थ्री को बढ़ाकर टू नहीं कर सकता टू को बढ़ाकर थ्री कैसे करूँ 1.5 से मल्टीप्लाई करके उससे कर नहीं सकते प्रॉपर इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करना है तो थ्री और टू का एलसीएम देख लो क्या होता है सिक्स सिक्स होता है तो थ्री में क्या मल्टीप्लाई करूँगी सिक्स आ जाए टू तो इधर लगा दो टू और टू में क्या मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आ जाए थ्री तो इधर लगा दो थ्री तो अब क्या हो गया थ्री थ्री ओ टू यानी कि टू थ्री का सिक्स ऑक्सीजन का सिक्स थ्री टू जा सिक्स ऑक्सीजन बैलेंस हो गया लेकिन ये दोनों बिगड़ गए ठीक है कैसे अब इधर इसका पोटेशियम का कितना हो गया टू क्लोरीन का कितना हो गया टू और इधर दोनों का 1-1 है तो इसके आगे टू लगा दो बस अब बैलेंस हो जाएगा इसके आगे टू लगाया तो 1-2 जा 2 इसका भी टू हो गया इसका भी टू हो गया ठीक है ऑक्सीजन का तो 3-2 जा 6 2-3 जा 6 ठीक है ज़्यादातर बच्चों ने अब कर लिया है तुम जरा करो भी ठीक है एक और देता हूँ चलिए जी अगला देखते हैं जरा CO 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 ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड O के बाद 2 लिखा हुआ है ना तो डाई ऑक्साइड 2 के लिए होता है डाई 1 के लिए होता है मोनो तो कार्बन मोनोऑक्साइड टेट्रा क्लोराइड होता है कार्बन के साथ टेट्रा क्लोराइड आता है CCl CO प्लस टेट्रा होता है 4 के लिए करो जरा
सीयू जानते हो ना, सीयू कॉपर है। दोबारा बोलो कहाँ पर? सी के बाद एरो के बाद। अच्छा सी यू और ब्रैकेट में है ओ एच और ओ एच के बाद है टू, सी यू ओ एच होल ट्वाइस प्लस एन ए टू एस ओ फोर। हो गया बताओ बाकी बताओ भाई। सर डन बता दो क्या है। सर टू एन में हो एच। चलिए ठीक है हाँ ठीक है बताओ भाई तब हो गया क्रिश कर लो। देखिए इधर कॉपर का एक है, इधर भी कॉपर का एक है, मैं ऐसे लिख लूँगा कॉपर, फिर सल्फर यानी कि एस ऑक्सीजन। क्या क्या हुआ बताओ? फिर इधर एन ए और ऑक्सीजन तो लिख चुका हूँ पहले, अब एच। तो ये कॉपर का इधर भी वन इधर भी वन टिक लगाओ, सल्फर का इधर भी वन और इधर भी वन इस पर भी टिक लगाओ, ऑक्सीजन का इधर फोर है और इधर फोर प्लस वन फाइव है और इधर ऑक्सीजन का कितना है वन टू सा टू है और फोर है, तो टू प्लस फोर सिक्स है ऑक्सीजन का। तो अब क्या करें, सिर्फ यहाँ पर टू लगा दो तो ऑक्सीजन का वन टू सा टू टू प्लस फोर सिक्स और इधर वन टू सा टू प्लस फोर सिक्स, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब जरा कॉपर और सल्फर दोबारा चेक कर लो, कॉपर का एक, कॉपर का एक, सल्फर का एक, सल्फर का एक, तो कहीं कोई बैलेंस बिगड़ा नहीं। फिर सोडियम का देखो एन ए का, तो एन ए का इधर वन टू जा टू और इधर एन ए टू, ठीक है तो बैलेंस है सोडियम बैलेंस है। हाइड्रोजन का इधर वन टू जा टू और हाइड्रोजन का वन टू जा टू, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया पूरी तरह से, ठीक है। तो मैं आपको ना इसके 10 एग्जांपल्स आज भेजूंगा, वो आपको ट्राई करने होंगे, बैलेंस करने होंगे इक्वेशंस, ठीक है। आज के लिए होमवर्क बस इतना ही है, आज इतना ही कराएंगे, बाकी कल देखते हैं। मैंने आपको पॉलीनोमियल्स का होमवर्क भेजा था क्या? भेजा था, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ चार या पांच पार्ट, छः पार्ट, ठीक है, वो करके लेकर आएंगे, मैं अभी भेजता हूँ। अच्छा अरे बात है।